क्या आरएलपी के टुकड़ों पर पल रहे हैं हरीश चौधरी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने कुछ बहुत बड़े दावे किए हैं। हनुमान बेनीवाल ने इस इंटरव्यू में क्या कहा है और क्यों हनुमान बेनीवाल के बयान से निष्कर्ष ऐसा निकाला जा रहा है कि हरीश चौधरी आरएलपी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि खबरों का ऐसा विश्लेषण और इतना इनडेप्थ विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलता। हाल में एक इंटरव्यू के अंदर हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही स्पष्टवादिता से एक बात कही है कि अगर इतने ही बड़े नेता होते हरीश चौधरी तो आरएलपी के कैंडिडेट को कांग्रेस में लाकर फिर बाड़मेर की जीत सुनिश्चित कैसे करते? अगर बड़े नेता होते तो कांग्रेस को ही आगे बढ़ाते, उनको किसी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट चुराने की, लाने की, षड्यंत्र रचने की जरूरत नहीं पड़ती। उमेदाराम बेनीवाल के बारे में इस बात को बोलते हुए जब हनुमान बेनीवाल ने ये जिक्र किया तो दर्द तो उनका भी छलक रहा था कि उनका कैंडिडेट इस तरीके से हथियाया गया। लेकिन इस पूरी बात को अगर समझें, जाने और इसके तह तक जाएं तो वाकई सवाल बहुत बड़ा उठता है कि कांग्रेस के हेमाराम चौधरी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, हरीश चौधरी शायद उस वक्त ये सोचते थे कि कांग्रेस जीतेगी नहीं इसलिए खुद दाव नहीं खेला था, उम्मेदाराम को आरएलपी से इसलिए बुला के लाए क्योंकि वो चाहते थे या तो कि आरएलपी खत्म हो जाए या फिर जैसा हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं उन्हें लगता था कि वही जीत सकते। वैसे सियासी पंडितों का कहना है कि उन्हें उमेदाराम बेनीवाल को खत्म करना था और उनके राय में, उनकी समझ में बाड़मेर नहीं जीत सकती थी कांग्रेस और उमेदाराम बेनीवाल को जड़ से खत्म करने के लिए वो आरएलपी से कांग्रेस में लेकर आए थे। हालांकि दूसरी तरफ एक तबका ये भी कहता है कि हेमाराम का वापस चुनाव नहीं लड़ने का जो डिसीजन था उसके पीछे भी हरीश चौधरी थे और वो एक एक करके सारे बाड़मेर के नेताओं को खत्म करके बाड़मेर के सिरमौर बनना चाहते थे और खासकर जाट राजनीति के सिरमौर बनना चाहते थे। और कहीं ना कहीं इससे पहले जो हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी की दुश्मनी रही वो बहुत ही सर्वविदित है। किस तरीके से हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के साथ व्यवहार किया गया था हरीश चौधरी द्वारा ये भी सबको पता है। इस सब के बावजूद अगर हरीश चौधरी आरएलपी से ही कैंडिडेट लाते हैं तो या तो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करना या फिर ये जान लेना कि बिना आरएलपी के कांग्रेस में आए कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। बेनीवाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हरीश चौधरी किसी भी तरीके से कोई बड़े नेता नहीं है, वो सिर्फ षड्यंत्र रचना जानते हैं। और ये बड़े आरोप हाल में जो हरीश चौधरी ने ठाकुर वाला बयान दिया तो कहीं ना कहीं सिद्ध भी हो गए और अब बाड़मेर की जनता भी हरीश चौधरी से डिस्टेंस रखना चाहती है, जिस तरीके से उनके जो जहन में आग है वो बाहर निकल रही है, जहन में जो जहर है वो बाहर निकल रहा है उसे सुनने के बाद। हनुमान बेनीवाल का दावा किस हद तक ठीक है आप भी कमेंट करके बताइए। क्या सच में कांग्रेस को पता था कि वो नहीं जीत सकती अपने उम्मीदवारों के सहारे इसलिए वो आरएलपी से उम्मीदवार लेके आई, वो भी तब जब आरएलपी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, या फिर इसके पीछे एकमात्र वजह अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट है? क्योंकि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को अंदर ले आए थे तो कैसे हनुमान बेनीवाल को पूरी तरह से खत्म किए करें ये सचिन पायलट खेमे से हरीश चौधरी ने प्लान बनाकर ये काम किया।
क्या लगता है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप लोग संवाद देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। बड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई, ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपको जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट, और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बनाकर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।